बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है, जहां की झेलम नदी में नाव पलट गई है। 10 से 12 स्कूली बच्चे इसमें सवार थे बताए जा रहे हैं। अशरफ वानी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, क्या जानकारी मिल रही है इस हादसे के बारे में? यहाँ पिछले 48 घंटे कश्मीर में बहुत जबरदस्त बारिशें हुई और जिसके चलते जो है झेलम, जो कि सबसे बड़ा दरिया श्रीनगर में है, उसमें पानी का स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है पिछले 48 घंटे के दौरान। आज सुबह ये गोंगबल इलाका है श्रीनगर के पास बटवारा में, वहां पर झेलम के उस पार से इस पार जो है कोई पुल नहीं है वहां पर, उस स्पेसिफिक जगह पर जहां इस नाव में कुछ स्कूली बच्चे स्कूल जाने के लिए दरिया को पार कर रहे थे और उसमें कुछ पैसेंजर्स लोग भी बैठे हुए थे, और उस बीच ये नाव जो है ये डूब गई है झेलम में, और उसके तुरंत बाद जो है रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की तरफ से शुरू किया गया है। कोशिश की जा रही है जितने भी लोग हैं उनको बचाया जाए, लेकिन अभी तक जो खबरें मिली हैं कि कई सारे लोग बच्चों समेत जो हैं इस नाव हादसे में लापता हैं, और अभी फिलहाल पुलिस और प्रशासन की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो ये पैसेंजर दरिया में डूबे हैं झेलम में उनको किस तरह से सुरक्षित निकाला जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।